एमएस धोनी से पहले इंडियन क्रिकेट में विकेटकीपर बैट्समैन जो अच्छी बल्लेबाजी करता हो बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल के दौर में बहुत सारे विकेटकीपर बैट्समैन ऐसे हैं जो अच्छी विकेटकीपिंग भी करते हैं, साथ में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, इवन अपनी बल्लेबाजी भर से वो किसी भी टीम में जगह बनाने का मादा रखते हैं। आईपीएल ऑक्शन में भी इस बार टीमें इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन तलाश रही होंगी, तो इस बार कौन से वो खिलाड़ी हैं जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजीज उनके लिए जा सकती हैं, इस वीडियो में आपको वो बताने वाले हैं। तो 7 खिलाड़ी हैं और 7 खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है तरंग गोहिल। 24 साल का ये युवा खिलाड़ी सौराष्ट्र से आता है और सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में जब इन्होंने 53 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी तब से इनका नाम चल निकला। साथ में सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में ये सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उसके अलावा स्ट्राइक रेट की भी बात की जाएगी तो बेहतर स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। उस सबके दम से इनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र की टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, ओपन करने का मौका मिलता है। वहां पर इन्होंने 212 रन बनाए और स्ट्राइक रेट था लगभग 202 के आसपास का। स्ट्राइक रेट पर गौर करिएगा क्योंकि T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रन तो सभी बना रहे हैं लेकिन किस तरीके से रन बना रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और सौराष्ट्र को लगातार इन्होंने जिस तरह से शुरुआत दी वो बड़ी इंप्रेसिव चीज थी। ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन बल्लेबाजी की बात करेंगे। काबिलियत क्या है? छक्के लगाने की काबिलियत, डाउन द ग्राउंड लंबे छक्के लगाने की काबिलियत इनके पास है। चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, खड़े खड़े छक्के लगा सकते हैं। बाकी अगर आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बड़े पावरफुल शॉट्स लगाते हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आगे की गेंद को छक्के लगाते हैं, बैकफुट से भी बहुत अच्छा पुल करते हैं। तो एक ऑलराउंड प्लेयर हैं हिटिंग के मामले में। बाकी जो गेम रहेगा वो और शायद आगे डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हिटिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं है। जिस पावर के साथ ये हिट करते हैं तो T20 क्रिकेट को तो बिल्कुल सूट करते हैं और परफेक्ट प्लेयर हो सकते हैं जो टीमें अपने लिए ओपनर ढूंढ रही हैं और साथ में विकेटकीपर बैट्समैन। तो शायद गुजरात की टीम है, रिद्धिमान साहा का बैकअप, इनको देख सकती है शुभमन गिल के साथ ओपन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बेहतरीन प्लेयर और ऑप्शन गुजरात की टीम के लिए हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है उर्विल पटेल। और उर्विल पटेल ने इस साल विजय हजारे ट्रॉफी में जो सुर्खियां मचाई हैं, 41 गेंद पर जो सेंचुरी बनी थी उसके बाद से इनका नाम और ज्यादा चल निकला। हालांकि पहले जब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले थे तो वहां पर भी इन्होंने लगभग 202 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, बहुत ज्यादा रन नहीं थे, सिर्फ 164 रन थे। लेकिन वही बात आ जाती है कि विकेटकीपर बैट्समैन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको क्विक ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट दे सकता है, और उसके बाद जब इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में उस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करके दिखाया, 3 मैचेस में 302 रन, 2 सेंचुरी और 150, तो कंसिस्टेंसी बहुत रही है। बाकी जिस पेस पर रन बने हैं वो अपने आप में बड़ी इंप्रेसिव चीज रही है। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है रिक्की भुई। और ये खिलाड़ी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले लगभग 11 साल से है। 2013 में इन्होंने अंडर 19 अपना डेब्यू किया था, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी। फिर रणजी ट्रॉफी का डेब्यू होता है, वहां इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और इससे पहले वो SRH की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। 2014 में जब 10 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इनको खरीदा था, फिर 2016 में इनको रिटेन भी किया गया और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका प्रदर्शन अप्स एंड डाउन्स भरा रहा है। क्योंकि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 का भी खेले थे, साथ में 2016 की भी अंडर 19 टीम का हिस्सा ये थे, लेकिन कभी भी अपने परफॉर्मेंस को उस लेवल पर लेके नहीं जा पाए जहां पर सिर्फ इनके बारे में चर्चा हो। लेकिन इस सीजन कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज इनसे देखने को मिली हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक इनसे 50 ऑड बॉल्स पर जो सेंचुरी देखने को मिली थी वो बहुत शानदार थी। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने 234 रन बनाए, 185 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, लेकिन मेन चीज जो थी वो छक्के लगाने के मामले में ये टॉप 6 हिटर जरूर थे। उसके बाद नंबर 4 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है महाराष्ट्र से आने वाले निखिल नाइक। पहले भी 2 IPL फ्रेंचाइजीज का हिस्सा ये रह चुके हैं जिसमें किंग्स 11 पंजाब और KKR की टीम है, लेकिन इस बार इनका जो प्रदर्शन डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिला है वो बहुत शानदार रहा है। स्पेशली विजय हजारे ट्रॉफी में जो पारियां इन्होंने खेली हैं, टोटल 257 रन बनाए हैं, 51 की एवरेज है और
28 के आसपास की स्ट्राइक रेट है, जिसमें 250 देखने को मिले हैं। तो जो सिक्स सिटिंग एबिलिटी एज अ फिनिशर खेलने की इन्होंने जो दिखाई है वो अपने आप में कमाल रही है, और शायद केकेआर की टीम वो टीम हो सकती है जिनको विकेट कीपर बैट्समैन डाउन द ऑर्डर चाहिए हो, जो पहले भी उनको ज़रूरत रहती थी। तो केकेआर की टीम दोबारा से इनकी तरफ देख सकती है, और एक मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, जब महाराष्ट्र ने 427 रन बनाए थे, और उसमें 5 छक्के जो लगे थे वो लगातार 5 छक्के इनकी तरफ से देखने को मिले थे। तो सिक्स सिटिंग एबिलिटी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाई है, ओवरऑल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पहले भी आईपीएल का हिस्सा ही रह चुके हैं, और फ्रेंचाइजी से जो एक रिलेशन होता है उसका फ़ायदा भी कई बार खिलाड़ियों को मिलता है। तो इनको मिल पाएगा या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन जिन टीमों को मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए या फिनिश करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए उस रोल में चाहिए, तो उन टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। नंबर 5 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो है सौराष्ट्र से आने वाले हार्विक देसाई। इससे पहले जितने भी खिलाड़ियों की बात मैंने की है वो सारे व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर ज़्यादा हैं, लेकिन हार्विक देसाई ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। इंडिया अंडर 19 जो 2018 की टीम थी उसके नंबर 4 के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने उस जीत में प्ले किया था। उसके बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं, अब तक 10 सेंचुरीज उनके बल्ले से देखने को मिल चुकी हैं, अगर उनकी कल की सेंचुरी और इंक्लूड कर लें तो 11 सेंचुरीज अब तक उनके बल्ले से निकल चुकी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अलग तरह से इमर्ज हो के आया, क्योंकि अब तक स्ट्राइकर नहीं माने जाते थे, टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन बेहतर थे, लेकिन जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी इस बार इन्होंने दिखाई है वो खास रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 336 रन बनाए, 175 का स्ट्राइक रेट था, 67 की एवरेज थी, जहां इन्होंने 53 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली। साथ में विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार 257 रन उन्होंने बनाए हैं, यहां पर भी इन्होंने 150 ऑड बॉल्स पर 100 रन की पारी खेली है। तो विजय हजारे ट्रॉफी हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, ओपनर हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, साथ में सॉलिडिटी वाला फैक्टर भी देते हैं। बाकी जितने भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो एक तरीके में या मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के हिसाब से परफेक्ट हैं, लेकिन ये एक ऑलराउंड प्लेयर हैं, इनके पास हर तरह का गेम है, बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं और प्रॉपर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी ज़्यादा अपनी टीम में रखना चाहेंगी, तो इस बार इनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है IPL ऑक्शन में। नंबर 6 पर मैंने पिक किया है कुमार कुसागर को। 19 साल का ये युवा खिलाड़ी 2022 की अंडर 19 टीम का हिस्सा था, और इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी में इन्होंने जो पारियां खेली रियान पराग के साथ, ईस्ट जोन के लिए जो इनकी परफॉर्मेंस थी बहुत कमाल की रही। जो 2-3 पारियां थी अंडर प्रेशर खेली गई, और जिस स्ट्राइक रेट से खेली गई, जो छक्के लगाने की एबिलिटी इन्होंने दिखाई वो बहुत कमाल की थी। साथ में विजय हजारे ट्रॉफी में इनके बल्ले से कुछ पारियां निकली, बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं रहे बिकॉज बहुत युवा खिलाड़ी हैं, अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट के मामले में आप इनको पूरे नंबर दे सकते हैं। जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी करने की काबिलियत है, साथ में अच्छे विकेट कीपर भी हैं, तो वो सारी क्वालिटीज इनके पास हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन कई बार फ्रेंचाइजीज इस तरह के खिलाड़ियों को भी पिक करती हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, टैलेंट और पोटेंशियल होता है, क्योंकि फ्यूचर में बड़ा खिलाड़ी बनने की काबिलियत उनके पास होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुमार कुशाग्र भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। नंबर 7 पर मैंने पिक किया है उपेंद्र यादव को। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे, उन्होंने इनको रिलीज कर दिया और दोबारा से ऑक्शन में होंगे। इस साल डोमेस्टिक सीजन इनके लिए बहुत जबरदस्त गया है, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी रन बनाए हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी रन बनाए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में स्पेशली इन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए, 50 की इनकी एवरेज थी, 250 थे, एक सेंचुरी इनके बल्ले से निकली वो भी सिर्फ 51 गेंदों पर। तो अपने गेम को इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी वाली बात है वो और डेवलप की है, साथ में इनके बल्ले से विजय हजारे ट्रॉफी में भी एक सेंचुरी निकली, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने एक 16 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली थी। एक प्रॉपर प्लेयर है, यूपी से अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी, बाद में रेलवेज मूव कर गए, और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में बेहतर करते हैं, इंडियन टीम में भी सिलेक्शन के बहुत नज़दीक थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो आईपीएल में इस बार देखना है कि कौन सी फ्रेंचाइजी उपेंद्र यादव के पीछे जाती है। तो दोस्तों ये हैं वो 7 खिलाड़ी विकेट कीपर बैट्समैन जिनके पीछे आईपीएल फ्रेंचाइजी जा सकती हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इस वक्त पर मौजूद है। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।